आई होप यूर आर फिट एंड फाइनस टूडे वी आर गोइंग टू डू द नोटिस वट डू मीन बाई नोटिस होता क्या नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का फॉर्मल वे फॉर्मल वे में जब किसी कोई इनमो इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता है ना कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन तो उसके लिए क्या कि इंडिविजुअल नोटिस देने की जरूरत नहीं होती देर इज नो नीट टू गिव इंडिविजुअल नोटिस नोटिस विल बी पेस्ट ऑन द नोटिस बोर्ड स्टूडेंट्स हैव टू रीड एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमिंग इवेंट्स द पर्पज़ ऑफ़ अ नोटिस इज़ टू अनाउंस ऑ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल पर्पज़ क्या है नोटिस का अनाउंस करना इंफॉर्मेशन देना एक ग्रुप के पीपल को जैसे क्लासेज में पर्टिकुलर क्लासेज है एक क्लासेज में क्या होता है कि एक क्लास से लेकर उसे क्लास से कोई फंक्शन है मान लो सिक्स टू एट का है सपोज करो इलाइंथ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ देन दे हैव टू गिव मैसेज बिफोर द फंक्शन उसे थ्री और फोर डेज दे हैव टू गिव द मैसेज मैसेज देना कि पर्टिकुलर डे डे एंड डेट दे हैव टू टेल एंड द फंक्शन इज गोइंग टू हेल्ड सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द फॉर्म ऑफ नोटिस नोटिस की फॉर्म में दिया जाता है नोटिस क्या होता है जर्नली मीन टू बी पिंड अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड आदर इन स्कूल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट और पब्लिक प्लेसिस कि वहाँ डिस्प्ले बोर्ड पर होता है कि अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है पेस्ट होता है वी कैन गो एंड करेंट द इंफॉर्मेशन कि क्या होने वाला है जैसे ब्लड डोनेशन कैम्प वगैरह लगते हैं ओके so, okay. नोटिस इश्यूड बाई द गवर्नमेंट अपीयर इन द न्यूज़ पेपर और नोटिस न्यूज़ पेपर में भी अपीयर होते हैं सो दीज आर द नोटिस नोटिस द फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फिर आता है पॉइंट टू रिमेंबर ए वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द फाइव उसे फाइव पॉइंट्स होने चाहिए ठीक है वट इज़ गोइंग टू अपन क्या होने वाला है क्या इवेंट है जैसे डांस कम्पिटिशन हो गया मेहंदी कम्पिटिशन वेयर इट टेक प्लेस उसका वेन्यू का है कि स्कूल ऑडिटोरियम में है या कहाँ पर है किसी हॉल में है वैन इट टेक टेक प्लेस कब होगा डेट और टाइम क्या है कि किस डेट को किस समय पर होगा होम डट इज़ अप्लाई टू कौन अप्लाई कर सकता है होम टू कॉन्टैक्ट और अप्लाई टू जो इसका हैड है उसको अप्लाई करना तो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वि दस सो दीज आर द पॉइंट्स कि हमें क्या पता होना चाहिए कहाँ होने वाला है गोइंग टू हैपन वेयर वैन होम हुम टू कॉन्टैक्ट और किस किसके लिए कॉन्टैक्ट करें नेक्स्ट वन नोटिस राइटिंग कैसे होगा हाउ डू वी कम्युनिकेट हम किसी को मैसेज कैसे देंगे वन टू वन देंगे वन टू मैनी वन टू मैनी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम देखो वन टू वन नहीं होता वन टू मैनी होता और किस लिए होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सो दीज आर द नोटिस राइटिंग इंफॉर्मेशन यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑल्सो उसके बाद आता है मार्किंग स्कीम अब नोटिस राइटिंग में सबसे जब बड़ा जो मैटर करता है ना इसे बिग रोल ऑफ मार्किंग स्कीम पहले तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू मेंशन वर्ड नोटिस यू हैव टू मेंशन हेडिंग और डेट ये कंटेन करता है वन मार्क्स को फिर आता है इसमें नेम ऑफ डिगजिनेशन डिगनेशन क्या होता है हाफ मार्क्स की उसकी क्या है कि वो कोई कोऑर्डिनेटर है कोई डिपार्टमेंट का हेड है फिर कहता है प्लेसिंग द नोटिस विद इन ए बॉक्स किन उसको बॉक्स में प्लेस करना जरूरी है क्योंकि इट कंटेंस हाफ मार्क्स फिर कंटेंट एंड लैंग्वेज इट कंटेंट टू मार्क्स एक्सीडिंग वर्ड लिमिट वर्ड लिमिट क्या होती है एक लिमिट होती है फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स की आप उसमें क्या कर सकते हो थ्री फोर फाइव वर्ड्स एक्स्ट्रा ले सकते हो इट कंटेंस वन मार्क्स आपको वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं होगा इफ़ यू गो अगर आप जाते हो वर्ड लिमिट से तो देन मार्क्स विल बी कट तो वन मार्क्स में क्या होगा हेडिंग डेट हाफ मार्क्स में नेम एंड डिजिनेशन प्लेसिंग नोटिस विद द बॉक्स हाफ मार्क्स में बॉक्स आ गया टू मार्क्स में कंटेंट एंड लैंग्वेज आ गई फिर आता है उसकी लिमिट के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा तो दिज आर द मार्किंग स्कीम ऑफ नोटिस और कौन से पॉइंट याद रखने चाहिए वही मैंने जो भी बताया था व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टेक प्लेस कब होगा ये चीज़ें आपको याद रखनी है फिर आता है इन पैसेवाइज फॉर्म प्रेजेंटेड विद द बॉक्स पहले बॉक्स में लगाओ वर्ड लिमिट फोर्टी फिफ्टी बॉडी कंटेंट अच्छा होना चाहिए इन्फॉर्मेशन गिवन मस्ट भी जो इफॉर्मेशन दोगे वो क्लियर होनी चाहिए क्योंकि पहले ही वर्ड की लिमिटेशन होती है स्टूडेंट कोज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन अगर आप डेट ही गलत बता दोगे नोटिस की इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट क्या है कैची अपीलिंग अट्रैक्ट अटेंशन एट वंस अपीलिंग और कैचिंग अटेंशन होनी चाहिए बोल्ड लेटर होने चाहिए कैची स्लोगन होने चाहिए फिर क्या होना चाहिए स्ट्राइकिंग वर्ड्स नो पर्सनल पर्सन इसमें नोटिस में देखो सबसे बड़ी बात है कि नो नीड टू यूज़ पर्सनल प्रोनाउन शॉर्ट बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंसेस छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं पर वो क्या होने चाहिए ग्रामेटिकली एक्यूरेट ओके फर्स्ट है पैसिवाइज फॉर्म फिर है वर्ड लिमिट फिर आता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए फिर कैचिंग स्लोगन होने चाहिए बोर्ड लेटर होने चाहिए नो नीड टू यूज पर्सनल प्रोनाउंस शॉर्ट बट ग्रामेटिकल एक्यूरेट सेंटेंस मस्ट बी यूज फिर इसमें सब वही बताया कि कैसे लिखेंगे सबसे पहले लिखते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर वह वर लिखेंगे वर्ड नोटिस फिर कैची हैडिंग जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन uh, है उससे रिलेटेड फिर डेट फिर बॉडी ऑफ द नोटिस फिर राइटर सिग्नेचर टिक्जिनेशन की किसने ये इशू किया फिर उसके बाद आता है इसमें नोटिस में क्या ऐड होता है कौन कौन से कंपटीशन कौन कौन से ऐड होते हैं कंपटीशन कोई भी होने वाला हो एक्सर्शन ट्रिप हो गया लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस हो गया इनोग्रेशन हो गया कब होने वाला है एग्जीबिशन हो गया ब्लड डोनेशन कैंप हो गया और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन नोटिस राइटिंग फिर उसके बाद देखो ये कम्प्लीट फॉर्मेट दिया है नोटिस का सो दिस इज द कम्प्लीट फॉर्मेट ऑफ द नोटिस पहले आप तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लगाना है ऑर्गेनाइजेशन फिर वर्ड नोटिस अप्लाई करना है डेट और मंथ मंथली अप्लाई करना है अप्लाई हैडिंग बॉडी कंटेंट यू हैव टू अप्लाई सिग्नेचर नेम और डिजिनेशन ये कम्प्लीट फॉर्मेट एंड यू हैव टू पुट इन ए बॉक्स आपको बॉक्स में लगा देना है उसके बाद ये नोटिस दिया है सेम यू हैव टू अप्लाई द नेम ऑफ द स्कूल नोटिस ग्रीन ड्राइव ये हैडिंग हो गई यू कैन अप्लाई डेट हेयर ऑल्सो फिर यही लाइन यहाँ से शुरू करनी है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ग्रीन ड्राइव आप ऑर्गेनाइजिंग से बाद जो भी फंक्शन उसको लो उस कब कहाँ पर कैसे होने वाला सारी इंफॉर्मेशन जिसमें इसमें ऐड की हुई है दिस इज द नोटिस रिलेटेड टू ग्रीन ड्राइव वीक ग्रीन ड्राइव क्रिएट अवेयरनेस वीक अमंग द स्टूडेंट and the general public about the need to conserve our forest and wildlife a part of the world. While Wildlife Day celebration on 3rd March all the students are requested to participate and make a difference to the world. For more information please contact the undersign. जिसके नीचे साइन है वो इसका हेड होता है कि किसने किया इश्यू किसको इसके बारे में ज़्यादा इनफॉरमेशन होगी. One more notice I'm going to show you. This is the notice related to sports summer camp. वही आप वो लाइन भी अप्लाई कर सकते हो. You can apply also. ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इनफॉर्म दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गनाइज फिर उसमें कोई कैंप है कोई ट्रिप है कोई टूर है हाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम विच डेट टू विच डेट कहाँ पे है इन द स्कूल प्ले ग्राउंड फिर लास्ट में लाइन होती है दोज हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन लेटेस्ट बाई आप उस दिन की उस डेट तक उस पर्सन को आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो सेम यू हैव टू अपलाई नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन कैपिटल आटर दैन डेट व नोटिस टाइटल दैन द कंटेंट इट मीन्स बॉडी ऑफ द लैटर डेट यू हैव टू मैंशन इन बिटवीन इट प्लेस आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किस से आप कंटेक्ट कर सकते हो किस डेट तक कर सकते हो दैन नेम एंड डिजिनेशन एंड दैन यू कैन ऑल्सो पुट द सिग्नेचर हो सी दिसज आर द नोटिस यू कैन अप्लाई नोटिस इन दिस फॉम सो थैंक यू हैव ए नाइस डे